नमस्कार, मामा बच्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की देखभाल हम सर्दियों में किस तरह से करें जिससे कि वो कम बीमार पड़े। जनरली पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर्दियों में बच्चे की मालिश किस तेल से करें, सर्दियों में कैसे नहलाएं बच्चे को, डेली नहलाएं कि नहीं नहलाएं, बच्चे को कपड़े किस तरह से पहनाएं। तो आज हम इस सब चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बेबी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मामा बच्चा को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। सबसे पहले बात करते हैं बेबी मालिश की। तो बच्चे की मसाज आपको जरूर करनी है। इवन अगर आप ठंड में मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चे के लिए। तो क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे की मालिश हम कैसे करें ठंड में, कहीं उसको अगर हम कपड़े उतार के उसकी मालिश करेंगे तो कहीं बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बंद रूम में आप बच्चे की मालिश करिए। ध्यान रखिए कि पंखा नहीं चल रहा हो, एसी ऑन नहीं हो और इवन दरवाजा भी खुला नहीं हो, क्योंकि ठंडी हवा आती रहती है ठंड में। तो वो बच्चे को एक्चुअली हमें हवा से बचाना है, तो इसलिए आप बंद रूम में करिए। अगर रूम में थोड़ी ठंडक लग रही है तो आप उसमें चाहे तो थोड़ा सा उसको रूम को वार्म कर सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे कभी होता है कई जगह पे धूप आती है 11-12 बजे के टाइम पे, ठंडियों में धूप आती है, तो आप उस धूप पे बच्चे को थोड़ा सा लिटा के मालिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस थोड़ी सी धूप में ही बच्चा सांवला हो जाएगा, काला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मालिश के टाइम पे थोड़ा सा धूप में भी कर सकते हैं मालिश, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और मालिश लेकिन जरूर करिए, क्योंकि इससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। तो मालिश जरूरी है, इवन मैं बोलूंगी ठंड के टाइम पे तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बच्चे का थोड़ी गर्माहट आएगी उसकी बॉडी में, जो कि उस टाइम पे उसको मजबूत करने के लिए, बच्चे को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होगी। अब बात करते हैं कि बच्चे की हम ठंड में मालिश किस तेल से करें। तो कई लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, बट कोकोनट ऑयल के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है ठंडियों के टाइम पे, ये है कि आप जैसे ही उसको कोकोनट ऑयल को तेल को लगाते हैं बच्चे की बॉडी में, थोड़ी देर बाद ही वो उड़ जाता है। और अगर नहला दिया उसके बाद तब तो समझ लीजिए पूरा ही उड़ जाएगा, तो मतलब बच्चे की बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कोकोनट ऑयल। तो आप एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एलमंड ऑयल बेस्ट है बच्चे के लिए। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल में एलमंड ऑयल को मिला लीजिए और उसको लगा लीजिए, तो उसके बच्चे की बॉडी में थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब करेगा और नहाने के बाद भी उसकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। या फिर आप लाल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब ननू मतलब अग्रिमा जब छोटी थी तो उस टाइम पे हमने 1.5 महीने जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी थी तो हमने उस समय लाल तेल भी यूज़ किया था। लाल तेल में थोड़ी सी गर्माहट होती है, अगर आप उसको लगा के देखेंगे अपने हथेलियों में तो आपको खुद ही महसूस होगा कि वो थोड़ी सी गर्माहट होती है, तो ठंड के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लाल तेल भी बेशक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। एलमंड ऑयल या फिर आप एलमंड ऑयल के साथ जा सकते हैं। अब मालिश करते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, जो कि मैंने इस चीज़ को पहले भी वीडियोज़ में बताया है, वो ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 3 महीने से छोटे होते हैं, उनको मालिश करते वक्त आप जो ये फोल्ड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि कानों के पीछे का एरिया हो गया, रिस्ट का एरिया हो गया, ये जॉइंट्स हो गए, कोहनी के पीछे का एरिया, एल्बो के पीछे का एरिया, नी के पीछे का एरिया, जितने भी ये फोल्ड्स होते हैं, जेनिटल के पास का एरिया, उन सबको आपको ऑयल लगाना है, उन सब पे आपको ऑयल लगाना है। और ऑयल लगाने के बाद उसे अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जनरली होता क्या है, हम जैसे कानों के पीछे का हिस्सा हमने छोड़ दिया, वहाँ मसाज नहीं की, ऑयल नहीं लगाया, तो जो बच्चे के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन वहां पर चिपक जाती है और कई बार रैशेस पड़ जाते हैं, वहां पर कट पड़ जाता है, ब्लड भी निकलने लगता है इवन कई बार। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा और कभी उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कभी कोई कट नहीं पड़ेगा, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो कि 3 महीने से छोटे बच्चे हैं। फिर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है फोल्ड्स को क्लीन करने का, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे उनके साथ आपको ये जरूर ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि मालिश कितने बार करना है। ठंडी में आप एक बार तो कर ही रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन अगर आप बच्चे को एटलीस्ट 2 बार भी दे देंगे मालिश ठंड में तो वो बहुत अच्छा होगा। एक आपने नहलाने के पहले दे दी और एक आपने अगर सोने से पहले दे दी तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सोते समय भी बच्चे को गर्माहट आ जाएगी उसकी बॉडी में, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब जब बच्चे को कोल्ड कफ होता है, कई बार सर्दियां बहुत कड़क की सर्दियां होती है, जैसे कि जो जनवरी और दिसंबर के आखिरी जनवरी की स्टार्टिंग में जो ठंड होती है, उस टाइम पे आप एक काम और कर सकते हैं, बच्चे की मसाज के लिए आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मस्टर्ड ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कच्चा तेल यूज़ नहीं करना है, उसको बॉइल करके ही यूज़ करिए। कच्चे तेल में थोड़ा सा तीखापन होता है, मतलब अगर आप भी अपने हेड पे लगाएंगे तो आपकी आंखों में अजीब सी झुंझुनाहट होगी। तो इसलिए अब बच्चे को भी अगर अप्लाई करें
मसाज करने के लिए मस्टर्ड ऑयल, तो आप उसको एक बार बॉइल जरूर कर लें। और उसमें अगर आपको बच्चे को कोल्ड कफ हो रहा है, आपके बच्चे को अगर कोल्ड कफ हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए और उसको पूरा बॉइल होने दीजिए। बॉइल होने के बाद उसे ठंडा करिए, उसे एक चाय तो छान के एक बॉटल में रख सकते हैं, और जब भी बच्चे को लगाना है तो हल्का सा गुनगुना कर लिया और उसके बाद बच्चे को लगा लिया। पक तो चुका है, आपको बस लगाते वक्त उसे थोड़ा सा गुनगुना करना है और इसको आप लगा सकते हैं। इस तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। कुछ लोग लहसुन भी यूज करते हैं, बट मैंने अग्रिमा के लिए मस्टर्ड ऑयल और लहसुन यूज किया था तो उसको थोड़ा सा फुंसियाँ निकल गई थी उसकी बॉडी में, तो हमने फिर लहसुन अवॉइड कर दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को एलर्जी हो लहसुन से, तो अग्रिमा को तो हमने नहीं यूज़ किया, लेकिन हाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल और अजवाइन को मिक्स करके दोनों का यूज़ किया था। उससे उसकी बच्चे की बॉडी में उससे काफ़ी गर्माहट आ जाती है, तो बच्चे को चैन की नींद भी आती है। अब बात करते हैं बेबी बाथिंग की, मतलब कि बच्चे को नहलाना कैसे है। तो बाथ देने के लिए आप हमेशा गुनगुना पानी ही यूज़ करिए, मतलब बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म आप पानी यूज़ करेंगे तो बच्चे का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाएगा, जितना भी आपने मालिश में तेल वेल लगाया था वो ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाएगा, मतलब जितना उसकी बॉडी में चाहिए उतना भी नहीं रहेगा। और ठंडे पानी से तो आप ऑब्वियसली नहीं नहलाएंगे क्योंकि ठंड में बच्चे को वो नुकसान कर जाएगा, तो गुनगुना पानी ही यूज़ करिएगा नहलाने के लिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब कई बार होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी है, जुकाम है, तो उस टाइम पे क्या करें, नहलाएं कि नहीं नहलाएं। लेकिन अगर आप मालिश दे रहे हैं बच्चे को तो मैं बोलूँगी 10-15 मिनट बाद ही सही, आप थोड़ा सा बच्चे को वाइप ज़रूर कर दीजिए, कॉटन के कपड़े को लेके गुनगुने पानी में निचोड़ के बच्चे की बॉडी को पूरी अच्छी तरह से साफ करिए, बच्चे को बहुत राहत मिलेगी और बच्चे की बॉडी में एक्स्ट्रा तेल भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर उस टाइम पे बच्चे की बॉडी के जो पोर्स होते हैं वो अंडर डेवलपमेंट होते हैं, अगर आपने तेल लगा दिया और उसको सही से साफ नहीं किया है तो वो पोर्स में तेल इकट्ठा हो जाएगा और कई बार ये रैशेस बन जाते हैं, तो इसलिए आपको वाइप जरूर करना है मालिश करने के बाद। बेबी को नहलाते वक्त एक और जरूरी बात, स्पेशली ठंडियों में आप सोप नहीं यूज करिए तो अच्छा है, आप बेबी बॉडी वॉश जो आता है वो यूज करिए, वो थोड़ा माइल्ड होता है। क्योंकि अगर आप बच्चे की स्किन पे सोप लगाएंगे बहुत ज्यादा ड्राई कर देगी वो आप बच्चे की स्किन को, इसलिए अगर आप बॉडी वॉश यूज करेंगे तो वो अच्छा होगा। एक और लास्ट पॉइंट कि बच्चे को ज्यादा देर तक नहीं नहलाइए स्पेशली ठंडियों में, नहीं तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जो पानी होता है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की स्किन को ड्राई करता है और छोटी सी बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि ज्यादा देर तक अगर आप पानी में रखेंगे बच्चे को तो वो ड्राई कर देगा। तो इसलिए जस्ट 5 मिनट से ज्यादा आप ये बाथिंग पीरियड ज्यादा मत रखिएगा, 5 मिनट में आप बच्चे को फटाफट नहला दीजिए। बच्चे को नहलाने के बाद उसके बाद आप बच्चे को अच्छे से पोछिए, और पोछते वक्त भी कई पेरेंट्स क्या करते हैं एकदम बिल्कुल रगड़ने लग जाते हैं बच्चे के हाथ को और पैर को, ऐसा मत करिए, उसके बच्चे का पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा। इससे अच्छा कि आप थोड़ा सा ऐसे पैट करते हुए बच्चे की बॉडी को पोछिए और उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करिए। ठंड में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो मैं बोलूंगी आप अवीनो के साथ जा सकते हैं और या फिर केटाफिल के साथ जा सकते हैं। ये मॉइस्चराइजर है वो जो थोड़ा थिक होते हैं, क्योंकि हिमालय का आप मॉइस्चराइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन का भी कई बार मैंने देखा है, थोड़ा सा जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा मतलब लिक्विड टाइप का होता है, तो बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब तुरंत हो जाता है, तुरंत जल्दी से उड़ जाता है। तो इसलिए अगर आप अवीनो या केटाफिल के साथ जाएंगे तो ये थोड़ा सा थिक टेक्सचर है इसका, तो आप बच्चे की बॉडी में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि बच्चे को ठंड में हम कपड़े किस तरह से पहनाएं। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि बच्चे को हम इनर पहना देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनर जो वार्मर आता है एक्चुअली जो हम अंदर पहनाते हैं बच्चे के लिए, उससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगी और बच्चे को वो चुभेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल की होती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि 3 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप ऐसी इनर लीजिए जो कि फ्रंट से ओपन हो, मतलब सामने बटन लगे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनकी गर्दन भी अभी बहुत नाजुक होती है, अगर आप थोड़ा सा राउंड नेक की या क्लोज वाली अगर आप इनर ले लेंगे तो बच्चे को उतारने पहनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप फ्रंट ओपन वाली इनर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इवन मैं बोलूँगी आप नॉर्मली कोई भी कपड़े ले रहे हैं अगर 3 महीने से छोटे बच्चों के लिए, तो अगर फ्रंट ओपन के लिए वाली लेंगे तो बच्चे को वो पहनाना और उसे उतारना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। तो ऐसे ही आपको इनर भी लेनी है, वार्मर्स भी जो लेने हैं वो भी ऐसे ही लेने हैं जो कि फ्रंट ओपन हो, ऐसे बच्चों के जो कि 3 महीने से छोटे हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप हाईनेक भी ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट फैब्रिक में ही लीजिएगा स्वेटर्स या इनर्स जो भी लें। आप अंदर से इनर पहना दिया बच्चे को, उसके बाद आपने बच्चे को जो भी कपड़े पहनाने हैं पहना दिए, और ज़्यादा ठंड है तो आप बच्चे को ऊपर से जैकेट भी पहना सकते हैं। आप कैप कभी भी कोई भी ले, आप हमेशा उसका फैब्रिक जरूर चेक करें, वो सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम थोड़ा सा
वैसा फैब्रिक ले लेते हैं तो बच्चे को वुलन से भी बहुत जल्दी रैशेज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की जो स्किन है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे को आपने मंकी कैप पहना दिया है तो उसके यहाँ पर निशान भी आ जाता है। तो ध्यान रखिए, कुछ भी चीज़ अगर आप परचेस करें, स्पेशली जो कि 3-4 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनके थोड़ा सा फैब्रिक पे ध्यान आप जरूर दीजिएगा, जो कि एकदम ही सॉफ्ट हो और बच्चे को स्किन पे किसी भी तरीके के रैशेस नहीं छोड़े। हमारी बॉडी में जो नेल्स होते हैं इससे भी हमें ठंड जाती है, तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 महीने तक के, उनके उनको आप चाहे तो मिटेंस भी पहनाइए और सॉक्स तो बड़े बच्चों को भी इवन पहनाइए। सॉक्स तो आपको हमेशा पहनाने ही है बच्चे को, जो छोटे बच्चे जो चलने की प्रैक्टिस करते हैं या क्रॉलिंग करते हैं वो फुटवेयर्स तो पहनेंगे ही नहीं, इसलिए आप उस टाइम पर सॉक्स पहनाइए जिससे उन्हें ज़्यादा ठंड नहीं लगे और वो बचे रहें ठंड से। अब बात करते हैं कि जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उन्हें हम खाने में क्या दें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो जो बड़े बच्चे हैं उनको आप चाहे तो मसाले उनके खाने में आप ज़रूर से इंक्लूड करिए, क्योंकि मसाले ही अपने इंडियन स्पाइसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आप छोटे से ही 6 महीने के बाद से ही बच्चे को अगर आप उनके खाने में मिलाकर देने लग जाएंगे, जैसे कि हल्दी हो गया, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, इन सब स्पाइसेस में इतनी ताकत होती है कि बच्चे की इम्यूनिटी को बरकरार रखेगा। आप कुछ भी फ्राई कर रहे हैं हींग यूज़ कर लीजिए, मतलब हींग भी बहुत अच्छा है, इतनी गर्माहट देता है बच्चे की बॉडी में कि आप उसको आराम से बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे की इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उन्हें आप ब्रेस्ट मिल्क तो बिल्कुल देते ही रहिए, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही उनका एकमात्र खाना है, जो एकमात्र चीज़ वो खा सकते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क ही है, तो वो तो आपको देना ही है। तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप नर्सिंग होम में बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप अपनी डाइट पे कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर सकती हैं, जैसे कि हल्दी हो गया या फिर अजवाइन हो गया, तो जिससे कि आप फीड कराएंगे तो आपके बच्चे की बॉडी में भी जाएगा तो वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा बच्चा भी। आई होप ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फटाफटी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।